नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी से कोई अनबन नहीं, रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में सरकार की अक्षमता से लोगों में निराशा पैदा हो रही है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनके तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई अनबन नहीं है। रामदेव ने कहा कि जहां भी मैं जाता हूं, लोग पूछते हैं कि बाबा क्या काला धन वापस लाया गया। मैं कहता हूं काला धन अब तक वापस नहीं आया। उन्होंने कहा कि 80% काला धन देश में ही है और केवल 10-20% विदेश में है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा काला धन खनन, सोना, जमीन, राजनीति और मादक पदार्थ में है। मोदी सरकार के दावों का पर्दाफाश करेगी कांग्रेस। कांग्रेस अगले हफ्ते 2 साल पूरा कर रही नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों के दावों का पर्दाफाश करने के लिए एक पुस्तिका जारी करेगी। पार्टी सूत्रों ने कहा कि दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें 26 मई 2014 को सत्ता में आई भाजपा सरकार की खामियों को रेखांकित किया जाएगा। AICC ने अपनी वेबसाइट पर एक टिप्पणी में कहा कि मोदी सरकार के 2 साल विचारों का अभाव, विश्वसनीयता की कमी। इसमें आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार के नीतिगत फैसले भारत के गरीबों, किसानों, श्रमिकों के हितों के खिलाफ तथा कुछ बड़े उद्योग घरानों के पक्ष में झुके हैं। जदयू की फरार विधान पार्षद मनोरमा देवी ने किया आत्मसमर्पण। रोड रेस के मामले में गया के एक युवक की हत्या के संबंध में गिरफ्तार रॉकी यादव की मां एवं जदयू की फरार विधान पार्षद मनोरमा देवी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत की सुबह कार्रवाई होते ही मनोरमा देवी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सोम सागर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मनोरमा देवी के बेटे रॉकी की तलाश के दौरान उनके घर से शराब की बोतलें बरामद की गई थी। इस संबंध में मनोरमा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके बाद वो पिछले हफ्ते से फरार थी। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से मनोरमा देवी की तलाश की जा रही थी, लेकिन वे आज स्वयं अदालत में पेश हुईं।